नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी, आज है जन्माष्टमी, तो सबसे पहले जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो है जी, सभी लोग एकदम व्रत में हैं, एक भी लोग जो है खाना नहीं खाए हैं यहाँ पर, और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं आज का जो यहाँ व्रत है अच्छे से जो है पूरा हो जाए। फिलहाल हम लोगों को जाना है मार्केट, कुछ सामान सब बाकी रह गया था जा करके खरीदारी करने के लिए, तो चलते हैं, चल करके खरीदारी करते हैं जी। हम लोग तो कम से कम पानी पी रहे हैं, जिया तो पानी भी नहीं पी रही है, और जिया बोल रही है कि बगल में लगता है कि कुछ अच्छा अच्छा खाना बन रहा है और इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। तो व्रत के समय जो है ऊपर से लगता है कि नाक हम लोग का थोड़ा सा और सक्रिय हो जाता है। वैसे जो है भाभी हमारी बगल में इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है ना हमारे रूम में, बहुत अच्छी सुगंध आती है, सुबह से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। पता नहीं भाभी आप क्या बनाए, कल बनाइएगा, आज मत बनाइएगा। और बाकी जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हमारा कोई भी वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। तो फाइनली जी, हम निकल गए मार्केट जन्माष्टमी की खरीदारी करने के लिए। बाजार तो काफी पहले ही निकलना था जी, लेकिन हम जो है निकल नहीं पाए। बात क्या हो गई थी कि क्रियांश की तबीयत इतनी खराब हो गई कि हम जो है आगे कुछ भी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन भगवान दया से जो है वो ठीक हो गया एक दवाई लेने के बाद। फिर जो हमने सोचा था कान्हा लुक में उसके फोटोज और रील का, तो वो सब कुछ जी अच्छे से शूट हो गया। और अगर आप भी क्रियांश का वो क्यूट सा कान्हा लुक देखना चाहते हैं तो उसके सारे फोटोज और वीडियो जो है हमारे इंस्टाग्राम पर पड़े हुए हैं। तो इंस्टाग्राम का जो आईडी हमने स्क्रीन पर डाल दिया, आप वहां जाकर के फॉलो कर लीजिए और वहां जाकर के आप जो सारा वीडियो देख सकते हैं जी। कुछ देर बाद पहुंच गए मार्केट, और मार्केट जैसे पहुंचे हमें तो लग रहा था कि सिर्फ हम ही लोग होंगे जो इतनी लेट से जो है जन्माष्टमी की सारी खरीदारी सब कर रहे होंगे। लेकिन जब मार्केट पहुंचे तो देखा कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं जो इतनी देरी से खरीदारी कर रहे हैं। बाकी सब तो खरीदारी हो गई जी, बस बची है फल की खरीदारी। तो यहाँ पर आए हुए हैं सभी फल लेने के लिए, कम से कम 5 तरह का फल लेना है, बाकी ज्यादा कितना ले सकती है देखते हैं। दे रहे हैं सामान, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, भीड़ अच्छा खासा है। तो हम लोग जी मार्केट से पहुंच गए हैं घर, और घर पहुंच करके जो है तैयारी चल रही है जन्माष्टमी की। और जिया तो उधर फ्लैट हो गई, जिया कह रही है कि मेरे अंदर अभी हिम्मत नहीं है चलने का। और एक इसको शरबत बना करके देना था, वो भी शरबत जब लेकर के आए 2-3 बार गिरा दी नीचे। तो जिया की यह स्थिति है अभी फास्टिंग करके। और बाकी शिवम भी किया हुआ है पहली बार का रात्रि जिंदगी में। पूजा का जो मंडप है यहीं पर लगाया जाएगा, तो सोचा जा रहा है कि आखिर कैसे क्या किया जाए और किसको कहां पर लगाया जाए। अभी सेटलमेंट चल रहा है, बाबा उठा लो उसको। देख सकते हैं कुछ गुलाब तो हम खरीद के लाए थे और कुछ गुलाब हम अपने छत पर से तोड़ करके लाए हैं कि लाइट चली गई। देखिए छत पर से तोड़ के लाए इतना गुलाब। वाह, हेलो, और भी है लेकिन सारा नहीं तोड़े, अच्छा नहीं लग रहा। तो जिया लेके आई हुई है जी शरबत, और हमारी भी हालत खराब जो है थोड़ी सी हो गई है, और हम जो है लगातार पी भी रहे हैं लेकिन फिर भी जो है ताकत लगता है नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कुछ देर की बात है। तो यहाँ पर जी सजावट का जो है लगता है आखिरी स्टेज है, और यहाँ पर झूले पर जो है लड्डू गोपाल बैठ चुके हैं, और इनके झूले को भी जो सजा दिया गया है बेलपत्र और बाकी फूल सभी से। अभी लड्डू गोपाल जो है ना, हाँ। इनका जन्म होगा, अभी तो नॉर्मल ऐसे बैठे हुए हैं, नहा के आऊंगी फिर इनको अंदर रख दूंगी। अच्छा, अंदर रखना होगा। फिर 12 बजे इनका जन्म होगा। ओके ओके। और फिलहाल जी यहाँ पर चल रहा है डेकोरेशन, तो देख सकते हैं जी अब यह जो है अपने आखिरी स्टेज में है, बाकी जब एक बार पूरा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्रियांश आ गया है ऊपर, और अब जो है क्रियांश जैसे ही ऊपर आया है तो हम लोग सोच रहे हैं जल्दी से अपना काम सबको जो है निपटा लिया जाए, क्योंकि आगे जो है क्या क्या काम हो जाएगा पता नहीं कि, और क्या क्या काम हमें लग जाएगा, है ना। पहला काम है कि इसको रात में खाना खिला दिया जाए, तो जल्दी से उसका जो है खाना लाया जाए और उसको खिलाया जाए, फिर ये सो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ हो चुका है रेडी, सारा फल भी हमने धो के रख लिया है सब कुछ, बस मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए। तो ये डेकोरेशन है हमारा। फिलहाल समय हो गया है जी पूजा का, तो सभी लोग जो है एक एक करके आएंगे पूजा करने के लिए। पहले यहाँ जिया आ गई है, और यहाँ पर लड्डू गोपाल की जो है पूजा की जा रही है। अभी भगवान जी से ढके हुए हैं, भगवान जी ढके हुए हैं इससे। हाँ, अभी जन्म होगा इनका मतलब। अच्छा, वैसे तो जी हर साल हम जन्माष्टमी मनाते हैं और हर साल जो है कुछ खास ही होता है, लेकिन इस साल का जो जन्माष्टमी है हमारे लिए कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि इस बार है हमारे साथ हमारा लल्ला क्रियांश। जी हाँ, क्रियांश जैसे जैसे ही बड़ा होते जा रहा है उसकी शैतानियाँ बढ़ती जा रही है, और उसकी शैतानियों को देख करके हमें याद आता है जो डीडी नेशनल पर देखा करते थे कृष्ण के बचपन की लीला सब, तो ठीक वही दृश्य जो है हमारे सामने आ जाता है। और धन्यवाद कहना चाहेंगे जी भगवान का जो हमें इतना प्यारा सा बेटा दिया और इतना नटखट सा।
अब लड्डू गोपाल का तो नहाना हो गया जी, अच्छे से दूध से, पानी से, और उसके बाद जितना भी तरह का चीज़ था दही से, तो हर चीज़ से जो है लड्डू गोपाल जी को नहला दिया गया है। और इसके बाद बारी है जी इनके वस्त्र को बदलने की। तो अच्छा अच्छा ड्रेस सब लाया है जिया ने, तो वो सभी जो है आपको दिखाएंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी जो है अपने झूला पर जो है विराजमान हो चुके हैं, और इनका झूला को देख सकते हैं जी, बहुत ही खूबसूरत सा झूला लग रहा है। और साथ में यहाँ का डेकोरेशन भी आपको दिखा देते हैं जी। तो कुछ ऐसा डेकोरेशन है, हुआ क्या है कि बहुत सारा बलून जो है इस गर्मी की वजह से जो है फट गया है, लेकिन जो भी है जी अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, और लड्डू गोपाल जी जो है जो भी गलती सही होगा उसको माफ करेंगे। वो तो करेंगे, वो तो माफ करने वाले हैं ही। सबसे ज्यादा मुझे सुंदर इनका ये झूला लग रहा है। और ये देखिए बलून था, ये जो है ना सूटक गया, तो हमने यहाँ लगा दिया है। और यहाँ लड्डू गोपाल जी को देखिए जी, इनका जो पगड़ी कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा पगड़ी, और इनका जो भी पोशाक है बहुत ही अच्छा लग रहा है। लड्डू गोपाल को वहाँ पर स्थापित करने के बाद जी अब बारी है भोग लगाने की। तो देख सकते हैं सारा भोग जो है कि करके तैयार किया गया है, और उसमें जो है जिया ने वैरायटी रखा है, अच्छा खासा वैरायटी रखा है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं उधर है मखाना, इधर है काजू बर्फी, इधर है किशमिश, इधर है वो क्या बोलते हैं गोंद का लड्डू उसको, रसकदम बोलते हैं। फिर यह है काजू, उधर है लड्डू, और एक एक करके अभी तो लगना शुरू ही हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या लगता है यहाँ। तो लगभग जी सारा भोग यहाँ पर जो है तैयार है, और बारी है जी पूजा करने की। तो जल्दी से जाते हैं हम, पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है जिया आगे का जो भी कार्यक्रम होगा उसको अपना जारी रखेगी। अच्छा लड्डू गोपाल के सामने है गुलाब का फूल। अब बारी है जी पूजा करने की, तो चलते हैं एक एक करके सभी लोग पूजा करेंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है जी एक बार और जन्माष्टमी मना करके, और इस बार जो हमने फास्ट रखा है ज़्यादा उतना महसूस भी नहीं हुआ। मुझे ध्यान है कि जब भी कोई भी पर्व हो या किसी भी तरह का व्रत हो तो मैं किसी भी तरह का वहाँ पर कोई भी फास्ट नहीं रखता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो है मैं फास्ट रख रहा हूँ किसी किसी ओकेजन पर, और काफ़ी अच्छा लगता है जी फास्ट रखने के बाद। सही कहे तो ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा आपसे बात कर रही होती है, और जब फास्ट टूटता है और उसके बाद जो आपके सामने खाना आता है, ऐसा लगता है खाने का स्वाद जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक एक करके सभी झूला झूला रहे हैं लड्डू गोपाल को।